नेशनलिज्म इसका थर्ड पार्ट है, राष्ट्रवाद का ये तीसरा हिस्सा है, नेशनलिज्म है राष्ट्रवाद का तीसरा हिस्सा है। ए नेशन हैज राइट टू एग्जिस्ट ओनली हु एक्सरसाइज ऑफ दैट राइट इज टू द एडवांटेज ऑफ द क्लेमेंट एंड ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। ये रामजे म्यूर साहब कह रहे हैं। किसी राष्ट्र को तभी जीवित रहने का अधिकार है जब इस अधिकार के उपयोग से स्वयं उसका और समाज का लाभ हो। किसी राष्ट्र को तभी जीवित रहने का अधिकार है जब इस अधिकार के उपयोग से स्वयं उसका और समाज का लाभ हो। जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं, यहाँ द्विज हैं और अद्विज हैं, तो द्विज का जो है अलग से एक राष्ट्र बन जाता है, अद्विज का एक अलग से राष्ट्र बन जाता है। तो अगर जो है द्विज लोग जो है अद्विज लोगों के अधिकार का ख्याल नहीं रखते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको इस देश में रहने का क्या अधिकार है, हमारे भारत देश में रहने का क्या अधिकार है। उनकी संख्या भी केवल 10% है और जो हमारे अद्विज हैं उनकी संख्या 90% है, इस देश के अंदर 90% हैं। तो इसीलिए कहा गया है किसी राष्ट्र को तभी जीवित रहने का अधिकार है जब इस अधिकार के उपयोग से स्वयं उसका और समाज का लाभ हो। अगर अद्विज समाज जो है, जिसे मूल निवासी बहुजन कहते हैं भारत देश के अंदर, अगर उसका लाभ नहीं है इन द्विज के रहने से जो 10% हैं, तो फिर भारत देश में रहने से फायदा क्या है उनका। इज नेशनलिज्म ए ब्लेसिंग। क्या राष्ट्रीयता एक वरदान है या फिर एक अभिशाप है। अभिशाप दोनों बातें हैं, इसको देखना चाहिए कि राष्ट्रीयता जो है, नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद कहते हैं, क्या राष्ट्रवाद जो है एक वरदान है किसी देश के लिए या फिर वो कोई अभिशाप है। ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ए होल पीपुल, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब कहते हैं समूची जाति का सामूहिक और संगठित स्वार्थ, यही राष्ट्रवाद है। समूची जाति का सामूहिक और संगठित स्वार्थ यही जो है राष्ट्रवाद कहलाता है। अब बताइए इसमें जो है समूची जाति का सामूहिक और संगठित स्वार्थ है, जिसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं, ये 10% में जो 3% ब्राह्मण हैं, इन्होंने जो है ऐसा धर्म बना रखा है कि उस धर्म में दूसरा कोई पुरोहित बन ही नहीं सकता, उनके मंदिर में दूसरा कोई पुरोहित बन ही नहीं सकता है। तो उनका जो है 100% आरक्षण है, 100% जो है रिजर्वेशन है मंदिर में या और धर्म स्थलों में। क्षत्रिय भी नहीं बन सकता, वैश्य भी नहीं बन सकता, शूद्र की तो बात ही छोड़ दो। और उनका जो है इसको कहते हैं संगठित स्वार्थ है, यानी धर्मस्थल में जो भी चंदा आता है, जो भी पैसा आता है, सब ब्राह्मणों के कब्जे में रहता है। इस देश के अंदर हम देख सकते हैं, भारत देश के अंदर देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बात कही है कि राष्ट्रवाद क्या है, समूची जाति का सामूहिक और संगठित स्वार्थ है, ये कह रहे हैं। सेल्फ आइडोलेट्री आत्मपूजा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कॉमर्स फॉर सेल्फिश एंड्स। ये कह रहे हैं कि स्वार्थी उद्देश्यों के लिए राजनीति और व्यवसाय का संगठन, राष्ट्रवाद क्या है, स्वार्थी उद्देश्यों के लिए राजनीति और व्यवसाय का संगठन। जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि 3% ब्राह्मण हैं, उन्होंने हिंदू धर्म का ऐसा संगठन किया है कि राजनीति पर उन्हीं का कब्जा है, पार्टी चाहे जो हो, हर पार्टी पर उन्हीं का कब्जा है, प्रशासन में उन्हीं का कब्जा है। 80% तो एक ही जाति, ब्राह्मण जाति के अधिकारी दिखाई पड़ते हैं सरकारी प्रशासन में, चाहे क्लास 1 हो चाहे क्लास 4 हो, सब जगह जो है 80% इन्हीं की संख्या है। ना वहाँ क्षत्रिय है, ना वहाँ वैश्य है, ना कोई शूद्र है। तो ये हुआ स्वार्थी उद्देश्यों के लिए राजनीति और व्यवसाय का संगठन। जितने भी तीर्थ बने हुए हैं, व्रत बने हुए हैं, सब जगह
व्यवसाय कौन कौन कर रहा है, सब जगह कौन कौन कर रहा था, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी या जितने भी त्यौहार होते हैं इसमें आम जनता जो भी खर्च करती है तो किसका व्यवसाय बढ़ता है, किसका व्यापार बढ़ता है, ये तो भारत देश के अंदर हम देख सकते हैं कि हिंदू के नाम पर क्या हो रहा है, हिंदू के नाम पर क्या हो रहा है। तो इसी को कहा गया है स्वार्थी उद्देश्यों के लिए राजनीति और व्यवसाय का संगठन, यही राष्ट्रवाद है। आज जैसे हम भारत देश के अंदर देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर हो क्या रहा है, इस देश के अंदर किसका भला हो रहा है, ब्राह्मणों का भला हो रहा है और पैसे के मामले व्यापार के मामले में बनियों का भला हो रहा है, बाकी तो किसी शूद्रों का तो कुछ हो नहीं रहा, शूद्रों का तो सीधा सीधा वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। एन ऑर्गेनाइज्ड पावर फॉर एक्सप्लाइटेशन, इसका मतलब है शोषण के लिए संगठित शक्ति, ये राष्ट्रवाद क्या है, शोषण के लिए संगठित शक्ति है। जैसे कि हम भारत देश के अंदर देख रहे हैं कि इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो राष्ट्रवाद चल रहा है, हिंदूवाद चल रहा है, हिंदू तो चल रहा है, उसमें शोषण किसका हो रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी का हो रहा है, इन्हें शासन से बाहर कर दिया गया है, प्रशासन में इन क्लास वन से क्लास फोर की सरकारी सर्विस है इसमें इनको SC ST OBC माइनॉरिटी इनको कोई जगह नहीं मिल रही है, जिसको हम मूल निवासी बहुजन कहते हैं, भारत का मूल निवासी कहते हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर सब चल रहा है हमारे भारत देश में। तो इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, शोषण के लिए संगठित शक्ति है, ये शोषण के लिए संगठित शक्ति है, ऐसा भी होता है और जो भारत देश के अंदर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि कोलेजियम के नाम पर जो है जज बन रहे हैं, सब ब्राह्मण बन रहे हैं, ज़्यादातर सब ब्राह्मण बन रहे हैं, जनेऊ वाले बन रहे हैं, इसको जनेऊ लीला भी कहते हैं। हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर रतनलाल अहिरवार, वो जो हैं कहते हैं जनेऊ लीला है। अब लेटरल इंट्री के नाम पर जो सरकार IAS भर्ती कर रही, बताइए IAS भर्ती कर रही है लेटरल इंट्री के नाम पर, वहाँ भी सारे जनेऊ वाले जा रहे हैं, खास करके सब ब्राह्मण जा रहे हैं, और EVM से जो है वो सरकार बना रहे हैं, EVM से सरकार बना रहे हैं, निजीकरण से किसका फ़ायदा हो रहा है भारत देश के अंदर आज हम देख रहे हैं। कहने को हिंदू राष्ट्र है, हिंदू है, हिंदुत्व तो है, लेकिन इस देश के जो मूल निवासी बहुजन हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, उनका शोषण हो रहा है और संगठित शक्ति बन करके ये शोषण कर रहे हैं, ये संगठित शक्ति बन जाते हैं हिंदू के नाम पर, ये जनेऊ वाले जितने हैं खास करके ब्राह्मण हैं और वो इस देश के मूल निवासियों का शोषण कर रहे हैं, ये है राष्ट्रवाद, ये है इनका हिंदुवाद। लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव, यही राष्ट्रवाद जो है वरदान बन जाता है, यही राष्ट्रवाद जो है वरदान बन जाता है जब सही राष्ट्रीयता का आदर, जब हम देखते हैं कि सही राष्ट्रीयता का सही राष्ट्रवाद का अर्थ है जियो और दूसरों को जीने में सहायता दो, जियो और दूसरों को जीने में सहायता दो। भारत एक बौद्ध राष्ट्र था तो जब ये ब्राह्मण इस देश के अंदर आर्य ब्राह्मण आए थे, भिखारी बन करके आए थे, लेकिन बौद्ध राष्ट्र होने के नाते इनको जगह दिया, यहाँ पर जमीन दिया, यहाँ दान दक्षिणा उनको दिया, मठ मंदिर आश्रम के नाम पर जमीनें दी, उनको नौकरी दिया और आज जो है तब जाकर के वो इस देश में पनप पाए हैं, लेकिन यहाँ के मूल निवासी बहुजन को आज किस हालत में पहुँचा दिया है इन आर्य ब्राह्मणों ने, उसको देखा जा सकता है। और ख़ास करके राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर इस देश के मूल निवासी बहुजनों का शोषण कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी का शोषण कर रहे हैं, उनको जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ा बनाए हुए हैं और उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, शिक्षा से वंचित करके उनको जानवर के स्तर पर ले जा रहे हैं। आज की तारीख में 2021 में नई शिक्षा नीति क्या है 2020 की, यही तो है कि इनको, इन मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा से वंचित कर दो, SC ST OBC माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित कर दो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से वंचित कर दो, शिक्षा इतनी महंगी कर दो कि वो शिक्षा न ग्रहण कर सकें, सरकारी अस्पताल नहीं रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उनके रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि सही जो राष्ट्रवाद है, जियो और दूसरों के को जीने में सहायता दो, ये सही राष्ट्रवाद है, इसको कहा जाता है। अबव ऑल नेशंस स्टैंड्स द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी
एज ए गोल एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, ये हेलोवेल साहब कह रहे हैं, हेलोवेल साहब कह रहे हैं, एक लक्ष्य और पथ प्रदर्शक के रूप में मानवता का आदर्श सही राष्ट्रों से ऊपर है, सही राष्ट्रों से ऊपर है। इसको हेलोवेल साहब कह रहे हैं कि सही राष्ट्रवाद क्या है। सही राष्ट्रवाद वो है कि एक लक्ष्य और पथ प्रदर्शक के रूप में मानवता का आदर्श सभी राष्ट्रों से ऊपर है, सभी राष्ट्रों से ऊपर है, सभी राष्ट्रों से ऊपर है।